डिपो में बरसात के कारण यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं परिवहन विभाग के कर्मचारी भी परेशान हैं। डिपो में अंदर जाने के लिए सैकड़ों गड्ढों से गुजरना पड़ता है। वहीं पर हमारे इंडियन प्राइम न्यूज़ के संवाददाता एस के यादव ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हरिश्चंद्र वर्मा से जानना चाहा कि डिपो औरैया में क्या क्या समस्याएं हैं। तो हरिश्चंद्र वर्मा ने बताया कि हम सभी कर्मचारी डिपो में पानी भर जाने के कारण बरसात में बहुत ही जटिल समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है और हमने कई बार उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एवं डिपो के सहायक आर एन दुबे से बात की तो उन्होंने बताया कि सन 1971 में जब डिपो औरैया संचालित किया गया था तब मात्र 15 बसों के संचालन के लिए ही यहाँ व्यवस्था थी और आज यहाँ पर 78 बस संचालित हो रही हैं। ऐसी स्थिति में परिवहन विभाग की बसों को मेन रोड पर खड़ा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में डिपो के बाहर कई बार जाम भी लग जाता है और जब औरैया में परिवहन मंत्री जी आए थे तो उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया था पर कोई सुनवाई नहीं हुई। औरैया डिपो के अंदर यह भी देखने को मिल रहा है कि बिल्डिंग के कर्मचारी बरसात में पानी ही बिल्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर उनके साथ जान का कोई खतरा होता है तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? शुभ नाम क्या है सर आपका? आरत दुबे हमारा नाम है। यहाँ पे हम OS हैं, कार्यालय सहायक प्रथम है जी। तो यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं आपके औरैया डिपो की? औरैया डिपो जब से स्थापित हुआ है 1971 में स्थापित हुआ था जी, तो तत्कालीन उस 15 वाहनों के लिए संचालन प्रारंभ किया गया जी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 80 वाहन हैं जो कि जगह के अभाव में, कार्यशाला के अभाव में कार्य सही नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कार्य भी। तो आज के दिन में लगभग 6 गुने वाहन हो गए, क्या आपको जगह बढ़ाई गई? जगह बढ़ाई के लिए अभी तक कोई जगह प्राप्त नहीं कराई गई है। इसके लिए कई बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, वर्तमान मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया है, विधायक जी से भी कई बार अनुरोध किया गया है, साथ साथ में हमने विभागीय लिखा पढ़ी पत्राचार अपने उच्च अधिकारियों को भी किया गया है, परंतु जगह उपलब्ध न हो जाए होने के कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो क्या क्या समस्याएं हैं इस टाइम बरसात के टाइम में? बरसात के समय तो यहाँ समस्याएं का ही अंबार है, सारी समस्याएं हैं। कार्य करने में सामने आप देख रहे हैं गड्ढे पड़े हुए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, कार्मिकों को आने जाने में परेशानी होती है, यहाँ तक कि कार्यशाला भी इसी गड्ढों के बीच में संचालित हो रही है, कार्यशाला में कार्य नहीं प्रभावी ढंग से हो रहा है जिससे वाहन जो है पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पा रहे हैं। उच्च अधिकारियों का क्या कहना है इस संबंध में? उच्च अधिकारियों के द्वारा यही कहा जाता है कि हमें जगह उपलब्ध कराई जाए, जगह उपलब्ध कर, यहाँ पर जो है किसी राजनीतिक द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा इतना हौसला नहीं अफजाई करा जा रहा है कि जो यहाँ पर जगह उपलब्ध कराई जाए। आप सर किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे औरैया डिपो में? तो सर यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं आपके डिपो में? समस्याएं तो कि बरसात का सीजन आ गया, इसमें समस्याएं और बढ़ गई हैं क्योंकि पानी का जल भराव हो जाता है, यहाँ बस अड्डा है नहीं, या फिर उनको जो है आने जाने में असुविधा होती है, इसलिए जब तक बरसात होती है तब तक नहीं यात्री आ जाके बैठ पाते हैं। हमें देखने को मिला बहुत सारे गड्ढे हैं, सारे गड्ढियों में पानी भी भरा है जी हाँ। ऐसी स्थिति में यात्रियों को परेशानी होती होगी? यात्रियों को परेशानी होती, मेरे कर्मचारियों को भी आने जाने में या कार्यशाला में बसों में काम करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि न तो जैक लग सकता है, न तो स्लिप्स हो सकते हैं टूल्स है, ऐसी स्थिति में काम करने में बड़ी परेशानी होती है। तो इस बारे में आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया अभी तक इन समस्याओं को लेकर? उच्च अधिकारी को बराबर अवगत कराया जा रहा है, उनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि प्रस्ताव भेजा जा चुका है मुख्यालय और उस पर। आपको क्या लगता है जो इतनी स्थिति खराब है आपके डिपो में क्या सुधार होगा इसका? अब ये तो उच्च प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पास तो ऐसा कोई मत होता नहीं है जिससे हम यूज़ करते हुए इसको कम कर सकते हैं।